crystal structure, van der Waal bond and hydrogen bond, Ghanshyam Nawal, associate professor physics, MLU government college, Bilwara. पिछली बार जो क्लास थी उसमें हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात की थी, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की, मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में बात की, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध। धात्विक बंध के बारे में बात की थी। आयनिक बंध में एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं, इस तरह का जो इंटरेक्शन है उसको हमने आयनिक बंध कहा। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में शेयर करता, आपस में शेयरिंग होती है, उसको सहसंयोजी बंध कहा। मेटेलिक बॉन्ड्स में हमने कहा था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो वो पॉजिटिव आयन बन गया, इसको कैटायन बोल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है वो किसी एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, इस पूरे क्रिस्टल में कहीं भी मूव कर सकता है। अब जो इंट्रैक्शन हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स में, इन कैटायंस में, उन बॉन्ड्स को हमने कहा था मेटेलिक बॉन्ड्स। तो जितने सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, या जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, उनको अपन इन बॉन्ड्स से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह के जो इंट्रैक्शन, इस तरह के जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ एटम्स जो गैसेस मीडियम होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, उसमें इस तरह के बॉन्ड्स के अलावा भी कुछ और बॉन्ड्स होते हैं जिसमें उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम सहसंयोजी बंध या आणविक बंध भी बोलते हैं, या इसको वान डर वाल फोर्स भी बोलते हैं, वान डर वाल बल, इससे भी शो करते हैं। वान डर वाल फोर्सेस होते हैं क्या, उससे पहले हम लोग देखें कि मॉलिक्यूल कैसा होता है। सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर है, तो इसको हमने कह दिया कि ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। इसी मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज को अगर हम इससे शो करते हैं तो ये चारों तरफ इसके नेगेटिव चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका जो सेंटर पॉइंट है वो भी यही है। इसका मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्साइड कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अध्रुवित अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अध्रुवित अणु। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट और नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट थोड़ा सा अलग अलग हो। अलग अलग हो का मतलब क्या हो जाएगा कि ये मान लो कोई मॉलिक्यूल है, इसमें नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा अलग जगह है इस तरफ, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं ये पोलराइज मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवित अणु। तो
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनाए जिसमें कॉन्साइड कर रहा है, ध्रुवीय अणु पोलराइज मॉलिक्यूल का मतलब हो गया जिसमें सेंटर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो इसको बोलते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं वांडरवाल फोर्सेस या मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एक जैसे ध्रुवीय अणु ये है, दूसरा ध्रुवीय अणु ये हो गया, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, या फिर एक ध्रुवीय अणु ये है, एक ध्रुवीय अणु ये हो गया, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो ध्रुवीय अणु हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन और इसमें इंटरेक्शन और इसमें इंटरेक्शन थोड़ा सा अलग अलग होता है। इसका मतलब ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो अन्योन्य बल लगता है या इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कितना है, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपस में ओरिएंटेशन कैसा है, कैसे झुके हुए आपस में। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो डिफरेंट होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन फोर्सेस को, उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड या वांडरवाल बॉन्ड। जैसे इसमें शो कर रखा है कि एक एटम हमारे पास ये है, एटम नंबर वन, एटम नंबर टू है ये, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पॉइंट पर है, सिमिलरली ऐसा। लेकिन किसी भी वजह से नेगेटिव चार्ज मान लो इस तरफ चला गया, इसमें नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला गया, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया इस तरफ, ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स बन गया, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, पोलर मॉलिक्यूल्स। इन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो रेड कलर से शो कर रखा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। अब ये जो पोलराइज मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसे होता है? नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ये जैसे मॉलिक्यूल है इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज ये चारों तरफ इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसी वजह से बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी। अगर नेगेटिव चार्ज एक तरफ ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज इस तरफ ज़्यादा हो गए तो इस तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तब बोलेंगे ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो गया। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी भी वजह से थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसकी वजह से ये पोलराइज हो जाता है। अब मान लो दो एटम्स हमारे पास हैं, एक एटम ये रहा, एक एटम ये, दोनों एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा है, तो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, दोनों पास पास में रखें। लेकिन किसी भी वजह से एक एटम मान लो पोलराइज हो गया, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, अब दूसरा एटम पास में रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव एटम क्या करेगा, नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी पोलराइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव इधर, स्लाइटली नेगेटिव इधर। इसको हम बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव, इंड्यूस्ड डाइपोल। प्रेरित द्विध्रुव जो दूसरे से प्रेरित हो रहा है, पहले से पोलराइज हो तो उसको तो केवल डाइपोल बोल रहे हैं, इंड्यूस डाइपोल हम बोल रहे हैं इस एनवायरनमेंट की वजह से, दूसरे एटम की वजह से ये एटम अगर पोलराइज हो गया तो इसकी वजह से ये पोलराइज हुआ तो प्रेरित द्विध्रुव। ये जो इंट्रैक्शन है अब इनके बीच में, इनके बीच में ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस फोर्स को हम बोलते हैं ये वांडरवाल फोर्सेस है। तो वांडरवाल फोर्सेस बहुत वीक होंगे मॉलिक्यूल्स के पोलराइजेशन की वजह से ये होता है, और पोलराइजेशन किसी भी वजह से हो सकता है, रैंडमली बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी
कोई मॉलिक्यूल पोलराइज हो सकता है, तो थोड़ी सी देर के लिए अगर पोलराइज हो गया तो उसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, फिर आपस में दोनों के बीच में कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स या वंडरवाल बॉन्ड्स। तो जैसे एग्जांपल देखो इसमें, कंसिडर नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज नियॉन, आयोडीन, CH4, एक मॉलिक्यूल। इसके पास में कोई दूसरा, इनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्लाउड्स के फॉर्म में माने, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंटर सेंटर पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो और ये जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वो रेंडम है। किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी में इम्बेलेंस हो गया। इम्बेलेंस हो गया का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इस तरफ ज़्यादा आ गया, इस तरफ पॉजिटिव हो गया। जैसे HCl कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हो रहा है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसकी तरफ थोड़ा सा कम हो गया, तो हम बोलते हैं ये पोलराइज मॉलिक्यूल हो गया। ये पोलराइज, बहुत हल्का सा पोलराइजेशन, लेकिन ये पोलराइज मॉलिक्यूल हो गया, तो ये पोलराइजेशन हो सकता है। और ये टेम्परेरी डाइपोल, यानी थोड़ी सी देर के लिए जब पोलराइजेशन हुआ तो इसको हम टेम्परेरी डाइपोल बोल रहे हैं। तो इन टेम्परेरी डाइपोल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं वान डर वाल फोर्सेस, लेकिन मोमेंट्री अट्रैक्शन बिटवीन टेम्परेरी डाइपोल्स विच इज द वान डर वाल फोर्स। जैसे एक मॉलिक्यूल ये इस तरफ स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, इस तरफ स्लाइटली नेगेटिव, ये पोलराइज मॉलिक्यूल हो गया, ये भी पोलराइज मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव इधर और इधर थोड़ा सा नेगेटिव, तो अब इनके बीच में ये जो इंट्रैक्शन है ये इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं ये वान डर वाल फोर्स है। अब इन वान डर वाल फोर्सेस, वो मटेरियल जिसमें इस तरह के वान डर वाल फोर्सेस एक्ट करते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया लक्षण, क्या प्रॉपर्टीज उनकी होती है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोहेसिव एनर्जी, इसको सत्संजक ऊर्जा भी बोलते हैं, सत्संजक ऊर्जा, क्योंकि ये जो फोर्सेस होते हैं बहुत वीक होते हैं, तो इनकी जो सत्संजक ऊर्जा होती है उसका मान बहुत कम होता है। तो बहुत कम होता है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी, चालकता, यहाँ चालकता का मीनिंग हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से शो करते हैं। तो ये जो मटेरियल होते हैं जिसमें इससे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। अचालक, ये अचालक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बहुत कम होते हैं, तो बहुत हल्के से टेम्परेचर पर भी ये गैसेस फॉर्म में हो जाते हैं। इसलिए ये जो मटेरियल हैं ये जनरली गैसेस फॉर्म में ही मिलेंगे, जिसमें वान डर वाल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो गैसेस फॉर्म में। प्रकाशीय गुण, ये जो मटेरियल हैं अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोई है तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी। गैसीय फॉर्म में तो पारदर्शी होंगे, लेकिन अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में भी अगर हैं इस तरह, तो वो मटेरियल पारदर्शी होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी माने संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूल सेपरेशन हम कितना कम कर सकते हैं, उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये जैसे एक सिलेंडर है,
इसमें हमने गैस भर दी, ये गैस भरी हुई है। अब हम क्या करें, इसको पिस्टन को थोड़ा सा प्रेस कर दें, प्रेस कर दिया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स वही होंगे लेकिन पास पास में मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यानी ये जो मटेरियल है वो कंप्रेसिबल होता है, संपीड्य संपीड्य हम उसका कर सकते हैं, जबकि जैसे लिक्विड्स होता है लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पाते हम लोग, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये कंप्रेसिबल हो गया। इसके एग्जांपल्स अपन कर सकते हैं जो भी गैसेस हैं, तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, जितने भी गैसेस मटेरियल्स हैं वो सब एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं एक्चुअली, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास है, इस मॉलिक्यूल में कोई एक हाइड्रोजन एटम भी है, ये हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है उसने, तो वो जो बॉन्ड होगा यानी कोवेलेंट बॉन्ड मान लो बना लिया, तो वो जो बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर हाई नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो मटेरियल्स हैं उनके साथ होगा, एटम के साथ होगा, तो ये हल्का सा पॉजिटिव हो गया, ये वो हल्का सा नेगेटिव, तो यानी ये नेगेटिव हल्का सा ये पॉजिटिव। दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा होगा जिसमें एक हाइड्रोजन एटम है, ये हल्का सा पॉजिटिव ये हल्का सा नेगेटिव, यानी ये जो पोलराइजेशन है इसकी वजह से आपस में जो बॉन्ड बन रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव आयन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव जो आयन है उसके साथ अट्रैक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉट ए कोवेलेंट बॉन्ड टू ए हाइड्रोजन एटम, इट रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्डेड टू ए वेरी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनके साथ। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक जैसे ये फ्लोरीन या हाइड्रोजन है, HF ये मान लो मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ये हल्का सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हल्का सा नेगेटिव। दूसरा जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वो भी ऐसा ही होगा, ये फ्लोरीन ये हाइड्रोजन, ये हल्का सा पॉजिटिव ये हल्का सा नेगेटिव। अब इनके बीच में ये जो फोर्स एक्ट करेगा इस फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फ्लोरीन और इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, लेकिन इनके बीच में आपस में हाइड्रोजन इसके बीच में ये जो बॉन्ड होगा इसको हम बोलते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल यहां देखो H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल ये पोलराइज मॉलिक्यूल होगा, ये नेगेटिव हल्का सा ये हल्का सा पॉजिटिव ये हल्का सा नेगेटिव, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल में ये हल्का सा नेगेटिव ये हल्का सा पॉजिटिव और ये हल्का सा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ अब ये हाइड्रोजन का जो नेगेटिव है और ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव, हाइड्रोजन का पॉजिटिव और ऑक्सीजन का ये नेगेटिव, इनके बीच में ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यानी एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है ये वाला, एक दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड से है, इस मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अपन ऐसा करें, इसको और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये वापस वही H2O मॉलिक्यूल को शो कर रखा है, एक अलग डायग्राम बना दिया ये, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव ये स्लाइटली नेगेटिव, ये जो बॉन्ड होगा इसको बोलते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो डिफरेंट H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं।
नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्रिस्टल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके लक्षण कैसे होंगे? कोहेसिव एनर्जी, सत्संजक ऊर्जा, इनकी सत्संजक ऊर्जा बहुत कम होती है, बहुत वीक बॉन्ड होते हैं ये। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुलीकरण, बहुलीकरण का मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स पास पास में हो सकते हैं और मल्टीपल इसमें फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो इसमें ये बहुलीकरण की प्रॉपर्टी होती है, खूब सारे मॉलिक्यूल्स पास पास में हो सकते हैं। पोलराइजेशन नेचर का मतलब होता है कि इसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं, ध्रुवित प्रकृति, ध्रुवण प्रकृति भी बोलते हैं इसको, या ध्रुवण, ध्रुवण प्रकृति। डायरेक्शनल बॉन्ड क्या, देशिक, देशिक वो बोलते हैं, देशिक बने दिशा पर डिपेंड करता है, देशिक बंध किसी एक डायरेक्शन में फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो अलग है, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स का स्ट्रेंथ अलग हो जाता है, इसको हम बोलते हैं देशिक बंध। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, सोन पपड़ी आप लोगों ने खाई होगी, सोन पपड़ी जो मिठाई होती है उसमें इस तरह के रेशे बने होते हैं, ठीक है, उसमें रेशे बने होते हैं। अगर इसको आप यूं कट करना चाहोगे यूं, तो ये बिखर जाती है, इसके बजाय अगर आप यूं इसको कट करोगे तो ये आसानी से टूट जाती है। इसका मतलब ये जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो बॉन्ड्स बने होते हैं, इस डायरेक्शन में इसका स्ट्रेंथ कम होता है, इस डायरेक्शन में इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका स्ट्रेंथ अगर अलग अलग है तो इसको हम बोलते हैं ये इनमें जो बॉन्ड्स हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास जैसे H2O तो अपन देख लिया, H2 हो गया, HF हो गया, सिमिलर अमोनिया हो गया, ये पोलराइज मॉलिक्यूल्स हैं। तो पोलराइज मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हाइड्रोजन का हो, तो वो सारे एटम्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं। तो अभी तक जो हमने कुल मिला के क्या क्या बॉन्ड्स देख ली, क्या क्या प्रॉपर्टीज देख ली, किस तरह के बॉन्ड्स देख लिए, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजन, धात्विक, धात्विक बंध, फिर उसके बाद हमने वांडरवाल, और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। इतने तरह के बॉन्ड्स के बारे में हमने बात कर ली। एक और चीज हमने शुरू के लेक्चर्स में कर रखी है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हमने किया था, बार बार हम इस डायग्राम को देखते हैं, वो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन ऐसा हो, दोनों के बीच में दूरी ये हो, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है। साम्यावस्था में दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस अगर R0 है तो, और इनके बीच में जो एनर्जी होती है वो -U0 इतना,
जो मॉलिक्यूल हैं जो आर्जरस सेपरेशन पर हैं दोनों मॉलिक्यूल्स, उसमें अगर एनर्जी हमने बहुत कम दी है तो वो मेटल यहाँ शो कर सकते हैं इस डायग्राम में, थोड़ा सा एनर्जी अगर उसको देंगे तो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, यानी थोड़ा सा मूवमेंट इसका हो सकता है। इसका मतलब ये जैसे कोई सॉलिड हमारे पास है, इन सॉलिड्स में ये जो एटम्स हैं इनके बीच में इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में सेपरेशन अगर आर जीरो, इनको थोड़ा सा एनर्जी अगर हम देंगे तो थोड़ा सा मूवमेंट ये वाइब्रेट कर सकता है, तो हम कह सकते हैं ये एटम्स यहाँ से यहाँ तक, या यानी स्मॉल आर का वैल्यू, एटम्स के बीच में जो सॉरी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो आर जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो ये करीब करीब सॉलिड स्टेट में होगा। थोड़ा ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं लिक्विड स्टेट में, थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं गैस स्टेट में। तो अब जो हम इस पेपर में बात करेंगे कि और सॉलिड्स के बारे में, यानी जो सॉलिड्स हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और उस क्रिस्टल को हमने बहुत थोड़ी सी एनर्जी अगर देंगे तब तो, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये जो सॉलिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, इन सारे के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।